लास्ट प्रॉपर्टी आपने देखा था डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद हमने समझाया था बॉर्डर बॉक्स के बारे में, क्या था वो, बॉक्स मॉडल के बारे में समझाया था, ठीक है। अब आज हमें जो प्रॉपर्टी देखनी है वो है हमारी बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी, कि बॉर्डर कैसे अप्लाई किया जाता है, बॉर्डर पे कितने तरीके से स्टाइल अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अगर बॉर्डर में कोई इमेज लगानी है तो कोई इमेज कैसे हम लगा सकते हैं, है ना। फिर शेडो वगैरह ऐड करनी है तो शेडो कैसे ऐड कर सकते हैं, इन सभी प्रॉपर्टी के बारे में समझना है आपको। तो बॉर्डर से रिलेटेड हमारी प्रॉपर्टी होने वाली है। हमने यहाँ पे अपना कोड एडिटर ओपन कर लिया है। एक फाइल लेते हैं जिसका नाम रखते हैं border.html। ये एक फाइल आ गई हमारे पास border.html के नाम से। इस पे अपना बेसिक कुछ तैयार कर लेते हैं। मैटर एक ड्यू टैग लेता हूँ, ड्यू टैग, और ज्यादा कुछ मैटर लेने की जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत मैटर में हमारा काम चल जाएगा। मतलब सिर्फ इतना लेने से ही हमारा काम हो सकता है, हमें बस बॉर्डर देखना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब स्टाइल, यहाँ पे हमने लगाया अपना स्टाइल, सॉरी यार, स्टाइल नाम का टैग, जिससे हमारा कौन सा सीएसएस शुरू हो जाएगा, इंटरनल सीएसएस। हमारा यहाँ पे सेलेक्टर कौन सा यूज होगा, टैग सेलेक्टर, जिसमें हम ड्यू को टारगेट करेंगे। ओके, कर्ली ब्रेसेस, ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ पे मैं इसको एक हाइट एंड विड्थ देता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एच लिख करके ऐसे टाइप कर लेता हूँ 400, एंटर मारूंगा तो ये लग जाएगा। फिर डब्ल्यू लिख करके अगर मैं ऐसे कोई वैल्यू पास करके एंटर मारूं तो ये लग जाएगा, ठीक है। बॉर्डर लगा लेते हैं। तो बॉर्डर देखिए, ध्यान से समझना है, हमने इतना तो कर लिया। चलिए एक और चीज कर लेते हैं, और वो ये है कि बैकग्राउंड कलर भी डाल देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं यहाँ पे ब्लू कलर, कोई सा भी कलर आप चूज कर लीजिएगा। तो अब इतने का प्रीव्यू पहले देख लिया जाए कि क्या मैटर हमारे सामने दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। चलिए तो ये ओपन हो जाए भाई, ये आया कुछ इस तरीके से। अब समझना यहाँ पे ये है कि बॉर्डर को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो देखिए, हम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी भी देखेंगे, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी देखेंगे। अब तक आपने जब पढ़ा था पीछे जितना कुछ, उसमें आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी की जब बात होती है ना, हमेशा आप ये समझ लीजिए, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम कई चीजों को एक साथ लिख रहे हो। मतलब उसकी, जैसे अभी बॉर्डर की बात करें, अगर हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, बॉर्डर की बात करें, हम यहीं पे विड्थ भी बता रहे हैं कि 10 पिक्सल विड्थ दे दो। हम यहीं पे स्टाइल भी बता रहे हैं कि उसकी स्टाइल सॉलिड दे दो। यहीं पे कलर भी बता रहे हैं कि उसका कलर कैसा देना है, ठीक है। तो ये सब चीज एक ही लाइन में बता दिया। तो ये जो बॉर्डर है, ये हुआ हमारा शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, समझ में आया। तो हम आज शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी तो हम शुरू से करते आ रहे हैं, हम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के बारे में भी देखेंगे। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो बॉर्डर की विड्थ अब सेव करके अगर देखें तो कुछ नहीं नजर आ रहा। तो हम समझते हैं, अगर हमें बॉर्डर की विड्थ लगानी है तो हमने लिखा बॉर्डर डैश विड्थ, है ना, अलग से टारगेट कर लिया, जो अब तक एक ही लाइन में दे रहे थे अब अलग दे दिया। बॉर्डर डैश विड्थ, विड्थ कितनी लेनी है, हमने कह दिया 15 पिक्सल की लेनी है, तो विड्थ हो गई। क्या अभी इतने से नजर आएगा कुछ हमें, देखें कुछ नहीं नजर आया। क्यों? क्योंकि ना ही हमने स्टाइल बताई है, ना ही हमने कलर बताया, हालांकि कलर तो बाय डिफॉल्ट ब्लैक रहता है। चलिए अब अगली चीज देखते हैं कि बॉर्डर की, हम यहाँ पे बॉर्डर की क्या कहते हैं इसको, बॉर्डर डैश स्टाइल, बॉर्डर डैश स्टाइल ये लगा रहे हैं हम, बॉर्डर डैश स्टाइल। और बॉर्डर की स्टाइल दे देते हैं, जैसे अभी लिखते हैं हम सॉलिड, बहुत सारी स्टाइल होती है, अभी बहुत डिटेल में देखेंगे। सॉलिड लिखा, अब सॉलिड लिखने से देखो, हमने कहा था कि ब्लैक बाय डिफॉल्ट है, तो ब्लैक कलर उठा लिया और सॉलिड ये आ गया। अच्छा जी, वापस आते हैं यहाँ पे, फिर हमने लिखा बॉर्डर डैश, और अब की बार कलर बदलते हैं, तो बॉर्डर डैश कलर लिख दिया हमने।
और इसके बाद में हम यहाँ पे कुछ कलर अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि रेड कलर ले लिया, ठीक है, ओके, हो गया ये। तो हमने अलग अलग टारगेट किया, पहले विड्थ, फिर स्टाइल, फिर कलर। अब इनकी भी अलग अलग सॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है। जैसे अगर मैं कहता कि ऊपर जो है यानी टॉप हिस्सा, इसकी विड्थ 15 दो, इसकी बॉटम वाले की विड्थ 20 पिक्सल दो, इसकी 30 पिक्सल दो, इसकी 50 पिक्सल दो, अलग अलग चीज अप्लाई करना है। ऐसे इसकी स्टाइल और कलर अलग हो, इसका स्टाइल कलर अलग हो, इसका स्टाइल कलर अलग, समझ रहे हो बात? तो चलिए अलग अलग टारगेट करके देख लिया जाए। तो मैं अब थोड़ा और डिटेल में चलता हूं, तो मैं एक काम करता हूँ, इतने को भी पूरे को कमेंट कर देता हूँ। पहले इसको सही किया, वापस यहां से यहां तक सेलेक्ट करके हमने कमेंट कर दिया, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं जी। तो यहां पे हम टॉप वाले हिस्से को, ठीक है, टॉप बॉर्डर को टारगेट करने वाले हैं। टॉप बॉर्डर मैं लिख देता हूं और इतने को कमेंट कर देता हूं, ठीक है, टॉप बॉर्डर लिख करके कमेंट कर दिया। अब इसके नीचे जो भी टारगेट होगा वो टॉप वाले हिस्से को हम टारगेट करेंगे, ओके, समझ रहे हो ना? ताकि इस तरीके से पता चले कहां टॉप है, कहां पे क्या है। अब मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा बॉर्डर, बॉर्डर डैश टॉप डैश विड्थ। ये हुई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जिससे आप एक एक को टारगेट कर रहे हो। अब मैं सिर्फ टॉप को टारगेट कर रहा हूं। अब तक लिखा बॉर्डर विड्थ, तो चारों तरफ की विड्थ आ गई, लेकिन अब क्या चारों तरफ की विड्थ आएगी? नहीं, कौन सी आएगी? टॉप की आएगी। तो बॉर्डर डैश टॉप डैश विड्थ, हमने कहा चलो जी इसको 20 पिक्सल दे दो, ठीक है, तो 20 पिक्सल आ जाएगा। सेम इसी तरीके से बॉर्डर डैश, आपकी टॉप को फिर लिखा टॉप डैश स्टाइल, स्टाइल के भी आगे हमने आपकी टॉप जोड़ दिया। हम कहते हैं चलो इसको सॉलिड स्टाइल दे दो, सॉलिड स्टाइल। अच्छा जी, सिर्फ अगर हम इतना देखें तो ये लग गया ना इतना। अब अगर आप सोचो, दिमाग चलाओ कि कभी कुछ ऐसा बनाना हुआ तो आप इस तरीके से टारगेट करके बना सकते हैं, है ना? बहुत सारी चीजें आगे बनाएंगे हम। फिर लिखते हैं बॉर्डर डैश, और इसके बाद क्या देना है? कलर, बॉर्डर डैश टॉप डैश कलर, ठीक है, कलर दे देते हैं। हमने कहा रेड कलर दे दीजिए, लीजिए रेड कलर आ गया। तो ये हुआ, हमने एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी लगाई जिसमें हमने सिर्फ टॉप को टारगेट किया, क्लियर? चलिए अब की बार लेफ्ट को टारगेट करते हैं। तो यहां पे हम लिख देते हैं लेफ्ट बॉर्डर, इससे आपको क्लियर अंदाजा रहेगा कहां पे किसको टारगेट किया गया। इसीलिए कमेंट बहुत जरूरी होता है, मैं कहता हूं आप लोगों से कमेंट दिया करो, ठीक है, कमेंट देने से क्लियर हो जाता है कि कहां पे क्या चीज लिखा गया है। अब की बार लेफ्ट को टारगेट करते हैं, तो बॉर्डर डैश लेफ्ट डैश विड्थ दे देते हैं। पहले विड्थ में हमने कह दिया इधर दे दो 15 पिक्सल, और इसके बाद में बॉर्डर डैश लेफ्ट डैश स्टाइल। अब देखो स्टाइल बहुत सारी है, जैसे मैंने स्टाइल लिखा यहाँ पे, देख रहे हो आप, है ना, आ रही है स्टाइल। तो आप इनको एक एक को देना, मैं कुछ कुछ लगा करके दिखा देता हूँ, बाकी तो ये लिख देने वाली चीजें हैं, ये सारी स्टाइलें नजर आ रही हैं। किस स्टाइल में कैसा इफेक्ट होगा वो आप लिखते जाओगे, आपको इफेक्ट दिखता रहेगा। तो बहुत इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं हमको, हाँ आप जरूर जाइए डिटेल में, आप एक एक प्रॉपर्टी को एक एक वैल्यू पास करके देखिए कि किसमें क्या इफेक्ट आ रहा है ना, ये आपके लिए तो जरूरी है। बाकी मैं इसमें से कुछ अप्लाई करता हूँ, जैसे अब तक हम कौन सा लगा रहे थे? सॉलिड, तो एक सीधी लाइन आ रही थी। अगर मैं लिख देता हूँ यहीं पे, एक स्टाइल दिखाता हूँ, ग्रूव, ठीक है, मैं लिखता हूँ ग्रूव, ओके जी। चलिए ग्रूव में देखिए, ये देख रहे हैं आप उभरा हुआ सा आ रहा है नीचे, ठीक। अच्छा कलर बदल दिया जाए इनका, तो हम वापस यहां आते हैं और लिखते हैं बॉर्डर डैश लेफ्ट डैश कलर, ठीक है, कलर हमने कह दिया ग्रीन कलर दे दो, ठीक, देख रहे हैं इफेक्ट नजर आ रहा होगा आपको, है ना? ये हुआ आपका ग्रुप स्टाइल। अगला कुछ स्टाइल अब लगाते हैं इस पे, और इसके बाद में अब हम टारगेट कर लेते हैं बॉटम एरिया को। तो टर्म बॉर्डर लिख दिया हमने, और इस पूरे को कमेंट कर देते हैं, ओके। सेम चीज मैं यहाँ पे वापस लिखता जाऊंगा, बल्कि मैं फटाफट ना इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, और जहां लेफ्ट लिखा है
मैं मल्टी कर्सर इस्तेमाल करके पहले तो इनको हटा दूंगा और फिर क्या लिख दूं मैं, बॉटम, ठीक है बॉटम लिख दिया। और मैं यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने रख दिया है रेड कलर वापस। ग्रुप की जगह कुछ और स्टाइल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं ले लेता हूँ डैश, ठीक है। तो ये नीचे आपको डैश स्टाइल दिखने लगे, ठीक है जी। चलिए एक और रह गया, इसको भी टारगेट कर लिया जाए। तो वापस मैं ये इतना कॉपी करके नीचे आता हूँ और पेस्ट कर दिया हमने। अब बॉटम की जगह हम किसको टारगेट कर रहे हैं, राइट वाले को। और यहाँ से भाई साहब हम इसको, अरे यार ये कहाँ से आ गया, ओके डैश राइट। और डैश की जगह अब की कुछ और ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब की बार कौन सा ले लिया जाए भाई, चलिए डबल ले लेते हैं अब की बार, डबल, ठीक है। और रेड की जगह अब की बार मैं ले लेता हूँ यहाँ पे येलो। और देखिए तो ये रेड वाला आ गया, ठीक है। कहाँ ब्लैक आ रहा है इसमें, ग्रुप में वो ब्लैक नहीं है, वो ग्रीन है, उभरा हुआ सा इफेक्ट तभी तो आएगा ना नजर, जब एक को थोड़ा डार्क में दे दे, एक थोड़ा सा लाइट, वो है ग्रीन ही, बस एक डार्क थोड़ा है और एक लाइट, तब जाकर कि ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है जी। तो समझ गए आप लोग कैसे ये बॉर्डर देना है। ओके जी। बॉर्डर बॉटम लिख करके, अच्छा मतलब आप इस तरीके से कह रहे हो, ओके आप कह रहे हो बॉर्डर बॉटम लिख दें, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं आप, ठीक है। यहीं पे फिर से उसका साइज बताइए, विड्थ बता दीजिए और इसके बाद में स्टाइल बता दीजिए, कलर बता दीजिए, ठीक है। तो वैसे भी दे सकते हैं आप अलग से, ओके हटाइए। तो मैं यहाँ पे एक एक चीज को डिटेल में समझा रहा हूँ, बाकी आप जैसे देना चाहें वैसे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो और देखते हैं अब यहाँ पे समझना है रेडियस प्रॉपर्टी के बारे में बॉर्डर की, हम रेडियस भी अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। रेडियस अप्लाई करा के भी हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। अब ये तो हो गया जी, चलो ठीक है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको मैं ना एक आईडी दे देता हूँ और आईडी के द्वारा फिर मैं टारगेट कर करके दिखाऊंगा। आईडी दे दिया मैंने ए, इसके आगे लगा देना है एच, ओके। कुछ और बॉक्सेस में बना रहा हूँ यहाँ पे, वापस लिया ड्यू टैग और इसको एक आईडी दे दिया हमने बी, ओके। अब बी को जरा टारगेट कर लिया जाए, चलिए बी को टारगेट किया हमने और यहाँ पे दिया हमने, सबसे पहले हाइट एंड विड्थ दे देते हैं। तो हाइट चलिए हम इसको दे देते हैं 200 पिक्सल की और विड्थ भी दे देते हैं 200 पिक्सल की। अब समझिएगा ध्यान से, तो हम यहाँ पे अप्लाई करा हमने बॉर्डर, बॉर्डर के अंदर हमने लिख दिया कि इसको बॉर्डर दे दो 5 पिक्सल सॉलिड और चलो ब्लैक कलर ही दे देते हैं, ब्लैक कलर। तो इसके नीचे हमें कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हम इसको अगर एकदम राउंड बिल्कुल सर्कल बनाना चाह रहे हैं तो अगली प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं बॉर्डर से जुड़ी हुई, बॉर्डर डैश रेडियस। रेडियस में देखो अगर मैं लिखता हूँ 100 पिक्सल तो 100 पिक्सल में ये एकदम से सर्कल में आ जा रहा है, ठीक है, पूरा उसका घूम गया। इसकी भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टियां होती हैं, जैसे मैं इसको यहाँ पे टारगेट सॉरी कमेंट कर देता हूँ, कमेंट करने के बाद मैं लिखूंगा बॉर्डर डैश, एक एक को टारगेट करते हैं ना, बॉर्डर डैश टॉप डैश लेफ्ट, मैं कहता हूँ लेफ्ट डैश रेडियस, मतलब बॉर्डर जो है किसको हम टारगेट कर रहे हैं, जो टॉप हिस्सा है किधर का लेफ्ट वाला, उसके ऊपर रेडियस लगा दो। हमने कहा उसका रेडियस दे दो आप 50 पिक्सल का, अब कैसा घूमेगा ये, ऐसा घूमेगा, समझ रहे हो आप। हमने जो टेलीग्राम चैनल बनाया ना उसमें इस तरीके से एक सेप के नाम से पीडीएफ हो, तो ऐसे बहुत सारे सेप हमने बना बना कर दिया है आपकी प्रैक्टिस के लिए कि
आप ऐसे रेडियस वगैरह अप्लाई कर करके इस टाइप की शेप बनाओ। आप उसको बनाओगे तो आपके ये पूरा बड़ा बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कुछ रेडियस अप्लाई कर दिया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद फिर हम यहाँ पे टारगेट कर लेते हैं बॉर्डर डैश राइट डैश बॉटम। कुछ तो हम गड़बड़ लिख रहे हैं। पहले हमें यहाँ पे लिखना चाहिए बॉटम, ठीक है, बॉटम डैश राइट को की बार टारगेट कर रहे हैं। हमने कहा कि इधर भी 50 पिक्सल दे दो। अब ये कैसा नजर आएगा, ऐसा गजब का शेप बन गया, ठीक है। तो ऐसे आप इसको टारगेट करके थोड़ा सा अलग दे सकते हो, इसको अलग दे सकते हो, कि एक बढ़िया बढ़िया सा शेप बना सकते हो। समझ गए कैसे टारगेट किया जा रहा है इनको? ओके जी, तो ये हुआ रेडियस प्रॉपर्टी, जिससे आप रेडियस अप्लाई कराते हो। तो अब अगली प्रॉपर्टी हमारी होगी बॉक्स शैडो के नाम से। तो हम यहाँ पे लगाएंगे बॉक्स डैश शैडो नाम से प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर भी आप बाय डिफॉल्ट क्या है जी, नन है, ठीक है। अब इसके अंदर आप बता सकते हैं एच ऑफसेट। एच ऑफसेट क्या मतलब होता है, कि हॉरिजेंटल शैडो कितनी पड़ेगी। तो जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे 15 पिक्सल, ठीक। फिर हम बताते हैं बी ऑफसेट, यानी कि वर्टिकल शैडो कितनी पड़ेगी। हम बता रहे हैं कि 5 पिक्सल, थोड़ा सा दूरी बना करके। फिर ब्लर कितना होगा, हमने कह दिया 5 पिक्सल ब्लर कर देना। स्प्रेड यानी कितनी दूर तक फैला होगा, हम यहाँ पे पास कर देते हैं 2 पिक्सल। इसके बाद हम बताते हैं कि कलर, किस कलर में शेडो पड़नी चाहिए। हमने कह दिया रेड कलर में पड़नी चाहिए। तो देखिए जरा ये यहाँ पे आ गया है ना। हमने कितना ये बताया था एच ऑफसेट पे, जितना बताया था उतना इसने ले लिया है, 15 पिक्सल। बी ऑफसेट यानी नीचे वाला, ऊपर चाहिए माइनस में पास कर दीजिए, ठीक है। इधर चाहिए तो ये एच ऑफसेट वाला माइनस में पास कर दीजिए, इधर को आ जाएगा। हल्का सा देखिए ब्लर नजर आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 पिक्सल, इसको 5 पिक्सल ब्लर बताया था। और ब्लर करा देते हैं, 15 पिक्सल पास करते हैं, तो ये और ब्लर हो गया। इसके बाद अगर यहाँ पे इसको कर देते हैं जैसे 12 पिक्सल, तो और ज्यादा दूर तक फैल गए, है ना, स्प्रेड है ये, कि कितनी दूर तक फैला होगा, ठीक है। फिर कलर बता दिया हमने, तो एक इस तरीके से बॉक्स बन गया हमारा। समझ गए भाई? तो आज आपने कवर कर लिया बॉर्डर से रिलेटेड प्रॉपर्टी, जिसमें आपने हाइट विड्थ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के बारे में देख लिया, फिर बॉक्स बना के शेडो कैसे अप्लाई कराते ये देख लिया, ठीक है। अब इतना प्रैक्टिस कर लीजिए आज बढ़िया से, और टेलीग्राम पे जो PDF अपलोड है उसको अच्छे से देख लीजिए।